सेहतमंद खुराक की फराहमी का मिशन, पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। फूड सेफ्टी टीम्स का वादत रोड पर मारूफ बेकरी पर छापा। जायदुल मियाद मसाला जात के इस्तेमाल पर फरोख्त और प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद। डीजी मुदस्सिर रियाज मलिक कहते हैं कि मियारी खुराक की यकीनी फराहमी के लिए मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। स्मोक पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। दिसंबर में अब तक 1876 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। रवा साल धुआं छोड़ने पर 57,770 गाड़ियों के चालान किए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बुखार के साथ डायरिया का भी शिकार हो गए। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने गुज़श्त रात शदीद बीमारी और तकलीफ में खिताब किया। इमरान खान बीमारी के बावजूद तमाम दिन अहम इजलासों में भी मौजूद रहे। असेंबलियों की तहलील के ऐलान के बाद पीडीएम टोले के औसान खता हो चुके। पीडीएम में शामिल जमातें मुलाहियती साजिशों की पैदावार हैं। मुशीर दाखला और इतलात पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि पीडीएम टोले की इंतखाबात से कांपे टांग रही हैं। मुल्क मुआशी तबाही के धाने पर पहुंच चुका। फौरी शफाफ और साफ इंतखाबात मुल्क और कौम की जरूरत है। इमरान खान के फैसले को दोनों वुज़राए आला की हमायत हासिल है। पूरी कौम उनके साथ खड़ी है और हमारी ये जदोजहद कामयाब होगी। इम्पोर्टेड हुकूमत को हर रोज एक नया सरप्राइज मिलेगा। तर्जमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने ट्वीट किया कि जिल्ले सुबाहनी की कनीजों और गुलामों को अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आवाम हर जगह पर इम्पोर्टेड हुकूमत का मुहासिबा करेंगे। एक्सपो सेंटर में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 25वें कॉन्वोकेशन की दो रोजा तकरीबात का आगाज। पहले रोज जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल मेहमान खुसूसी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब सुहेल अफजल की भी शिरकत। आला कारकर्दगी दिखाने पर 149 तलबा को मेडल्स दिए जाएंगे। पहले रोज 1076 तलबा में डिग्रियां तकसीम की जाएंगी। कॉन्वोकेशन में इस्तेदाद और तलबा की कसीर तादाद मौजूद है।